मैं उधर ही उधर इसकी स्क्रीन क्या आती है भाई 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 नीच मत जाओ भाई इधर देखो ये दो दो जन को कर सामने हम सामने वीडियो सेंटर 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 मैम पीछे अब पीछे वीडियो वीडियो कांस्टेंटली हो ही रहा है अरे वीडियो वीडियो उधर तो नॉन स्टॉप उनका तो बंद ही नहीं हुआ है हां चलो थैंक यू एवरीवन बाय बाय पीपल डेंजर या सबसे मैम वन मोर चलो रेडी आजा शी इज फ्रॉम डिजिटल टीम आर्ट इंस्टीट्यूट शी इज इंट्रोड्यूस हरसेल्फ टू मी या इवन मोर नाउ बिकॉज़ ऑफ योर ब्लैक थैंक यू सो मच ओके नाउ टू आल्सो कांग्रेचुलेशंस एंड क्या 50 डेज कंप्लीट कर चुके हैं पहले बहुत जने क्रिटिक्स ने बहुत जने कहा था कि ये शायद तक ना चले बहुत कम उम्र है और ये प्रेजेंट कर रहे हैं बहुत ज्यादा उम्र की सो क्या कहना चाहेंगे 50 डेज अभी भी सेम वो आई होप अब मैं आंसर करना बंद करें हम ये क्वेश्चन के इनको क्यों लिया तुमने क्यों किया ऐसा लग रहा है आई होप अब ख़त्म होगी वो बातें अब हमसे वो क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाते इतने आई थिंक वो सब जब पिक्चर रिलीज़ हुई थी हम तब से कहते आ रहे थे पिक्चर एक बार ही देख तो लो फिर उसके बाद हमारे को बताना कि पसंद आई कि नहीं वी डिड जस्टिस और नो आई एम हैप्पी दैट आफ्टर सीइंग द फिल्म हूएवर हैज सीन द फिल्म हैज़ प्रॉब्ली अप्रिशिएटेड एंड लाइक व्हाट वी डिड दैट्स वाई मतलब कितनी बड़ी पिक्चर आई थी हमारे साथ कितनी बड़ी पिक्चर आई हमारे बाद उसके बावजूद जो पिक्चर लोग सोच रहे थे एक हफ्ते में निपट के निकल जाएगी थिएटर से इट्स स्टिल रनिंग विच इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर टू गर्ल्स हु हैव हेल्म द फिल्म प्लेइंग समवन हु इज़ डबल देयर एज और मोर आई मीन दिस इज़ गोना बी इम्पॉर्टेंट इन आर मतलब मेरी भूमि की हिस्ट्री हमारी जो होगी वो उसमें तो ये एक परमानेंट होने वाली है पिक्चर पता नहीं बॉलीवुड की हिस्ट्री में होना हो हमारी हिस्ट्री में तो ये एच होने वाली है ओके इसके अलावा जो बहुत उत्सुक है जो लोग हैं वो है जो आप बायोपिक कर रहे हैं मिताली की सो प्रिपरेशन कैसा करने वाले सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे क्यों हमने मिताली से भी बात की थी तो वो बहुत एक्साइटेड है स्पेशल द कवर ड्राइव एंड ऑल दैट ओह गॉड वो मुझे स्ट्रेस दे रही है बहुत कवर ड्राइव का सो मैं प्रिपरेशन तो ऑब्वियसली अगर आप इतने बड़े स्पोर्ट्स आइकॉन की पिक्चर करने वाले हैं उनकी स्टोरी बताने वाले हैं तो प्रिपरेशन तो होनी चाहिए बहुत ज़बरदस्त मैं पहले फिजिकल प्रिपरेशन से स्टार्ट करूँगी क्योंकि मिताली की फिल्म से पहले मैं रश्मि रॉकेट कर रही हूँ वो स्प्रिंटर की स्टोरी है सो मुझे वर्क जो मिताली के लिए भी मुझे प्रिपरेशन करनी ही पड़ती फिजिकल बॉडी पे वर्क करना पड़ता वो मैं रश्मि रॉकेट के लिए शुरू कर दूँगी अभी से ही मतलब कुछ हफ्ते 10 दिन के अंदर से एंड देन आफ्टर आई एम डन getting that fitness stamina everything in place uske baad main cricket seekhna officially shuru karungi